देखो दोस्तों, आज मैं एक नई चीज़ लाया हूँ आपके लिए। है तो पुरानी, ये है सारेगामा। अब इसमें क्या हो रहा है, ये ऑन नहीं हो रहा है, चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो हमें इसमें देखना है इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है, हम इसको खोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें चार्जर लगा के देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। इसमें इसका चार्जिंग पॉइंट है, ये नहीं आ रहा। ठीक दोस्तों, चार्जिंग शो नहीं हो रहा, तो हम इसको खोलेंगे। चलो अब सब खोलते हैं। दोस्तों जैसे कि इसमें छह नट थे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, ये इसके नीचे होता है, ये जो होता है ना, इसके नीचे ध्यान रखना। ठीक है, और ये बहुत देख के निकाले, अंदर घुस जाते हैं। मेरा भी एक अंदर घुस गया, वो निकल नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से निकला है। ठीक है, उस जगह निकालने में इतना टाइम लग गया मेरे को, तो मैं इसको खोलता हूँ। मैंने सारे पेज खोल दिए हैं, लगता है ये वाला पेज फंस रहा है, यही वाला फंस रहा है अभी भी। इसमें मेरा वो घुस गया जो वाइट वाइट सा है ना, तो मैं पूरी ताकत लगा के उसको फाड़ता हुआ बीच में से खप जाके खोल रहा है शायद। देखो दोस्तों, इसके अंदर है ना, ये फंस गया था मेरा पेज। अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ। पहले बाहर कैसे निकलेगा, तो पहले दोस्तों आपको पहले क्या करना है, इसके एक तार निकाल देना है, जैक, और ये वाला जैक। इसमें ये खुलेगा नहीं पता नहीं दोस्तों, ये तो सोल्डिंग करना नहीं। ठीक है दोस्तों, ये निकाल दिया है। ये चिपका हुआ था, गम लगी हुई थी इसके अंदर, इसलिए इतने झटके के साथ निकला है। ये गम छुड़ा लेनी है आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अंदर क्या हुआ है। ये इसका चार्जिंग है, ये चार्जिंग भी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, या सेल ख़राब है इसका। ऐसा दोस्तों अंदर से ऐसा होता है, देखो। ठीक है, हमें इसको कुछ नहीं छेड़ना, हमें सबसे पहले काम करना है इस पर। हमें क्या करना है, हमें काम करना है इस पर। ये चार्जिंग नहीं ले रहा था, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें चार्जर लगा के ये देखना है कि यहाँ पर वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। पहला काम इसमें दिख रहा है ना, वाइट ब्लैक वाला माइनस का है, दूसरा इसका रेड वाला कोई ना कोई प्लस होगा तो दिखाई देगा। दूसरी बात सब, फिर हमें देखना है ये जो सेल है इसका, ये सेल सही है या ख़राब है। देखो दोस्तों, मैंने कल आपको शायद एक सेल दिखाया था, इसमें एक वीडियो में ये सेल पड़ा हुआ है, हम ये वाला सेल डाल देंगे अगर ये ख़राब हुआ। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं, टेस्ट करते हैं इसको। दोस्तों जैसा कि मैंने इसका सेल निकाल लिया है, मैंने इसको काट दिया है, यहाँ से दो तार इसके यहाँ से सेल निकाल लिया है। ठीक है, इसके दो तार काट दिए मैंने आगे से, यहाँ से काट दिया, ये काट दिया, चेक करने के लिए कि इसमें पावर है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको रख लेंगे संभाल कर, क्योंकि इसमें दूसरा सेल लगाना है, और इसको चेक करेंगे खोल कर कि इसमें क्या कितनी पावर है। सेल को चेक करते हैं, पिक्चर क्यों नहीं रहा है। ये इसका एक निकल गया दोस्तों, वही सेल होता है इसके अंदर भी जो हम हमारी लैपटॉप की बैटरी में होता है। अब आप देखो, मैंने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं सारे लैपटॉप की बैटरी वाले पे सॉल्व कर दिए हैं, तो यानी कि कबाड़े के यहाँ से दो चार आप लैपटॉप की हर तरह की बैटरी उठा लाओ, तो आपके कई सारे सॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है ना दोस्तों, अब इसको हम इसको फाड़ के एक बार चेक करेंगे कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है। अगर ये सेल नहीं, अगर वोल्टेज नहीं आ रही, तो हम दूसरा सेल लगा के उसमें कनेक्टर देखेंगे पहले। लेकिन इसमें ये देखना जरूरी है कि ये सेल ही ख़राब है, कुछ अगर ख़राब कुछ छोड़ता और हम कुछ और करने बैठ गए, तो इसलिए पहले सबसे पहला काम है बैटरी चेक करना, जो उसमें बैटरी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, ये हमने फाड़ दिया इसको, अब इसके हम बैटरी चेक करेंगे। अभी जाएंगे 20 वोल्ट पे, और ये 3.7 वोल्ट होनी चाहिए दोस्तों, जैसा कि इस पर लिखा हुआ भी है। इस पर लिखा हुआ है आपका 3.7 वोल्ट रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 20 वोल्ट पर कंटिन्यूटी पर 20 वोल्ट पर रख के मल्टीमीटर को, और इसको चेक करेंगे प्लस का प्लस, ये ऊपर वाला जो छोटा सा होता है प्लस, ये हो गया माइनस। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर कुछ भी वोल्ट नहीं आ रही है। हम दूसरा सेल चेक करते हैं, हमारे पास जो है, जो हमें लगाना है, ये इसमें कितनी आ रही है दोस्तों। इसके अंदर देखो 3.26 है,
ठीक है, इसका मतलब इससे चल जाएगा, मतलब टेस्टिंग के लिए चल जाएगा, लेकिन ये कामयाब नहीं होगा, इसको भी हमें चार्ज करना पड़ेगा 3.7 वोल्ट तक। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ये कनेक्टर है, इस वाले कनेक्टर को इसमें लगा देते हैं दोस्तों। और ये भी देखना होगा ये सेल ही ख़राब है, ये सेल क्यों ख़राब हुआ है, किस वजह से ख़राब हुआ है। ये ख़राब इस वजह से हुआ है क्योंकि ये शायद चार्जिंग नहीं ले रहा था, ठीक है ना। तो चार्जिंग नहीं लेने का मतलब है इसका जो चार्जर है वो भी ख़राब, जो चार्जिंग कनेक्टर है इसका मतलब ये भी ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, सेल लगा के चार्जिंग देखते हैं, ये ले रहा नहीं ले रहा है। तो चार्जिंग कनेक्टर यहाँ पर सेल लगाते हैं, इसमें हमने दोनों तार लगा दिए, ये देखिए प्लस के प्लस पे लगा दिए और माइनस के माइनस पे लगा दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा हुआ था, जैसे देखो ये वाला पॉइंट बीच में कट है ना, ये बीच में कट दे रखा है, तो ये जो लाइन सी आ रही है ना बीच में इसके, तो ये बीच वाला कट ऐसे लगा देंगे। जैसे लगाएंगे एकदम ऑन होना चाहिए इसको, यहाँ से पावर ऑन करेंगे फिर हम इसकी। देखो दोस्तों ऑन हो गया, मैंने पावर ऑन कर रखी थी पहले। लो बैटरी, देखो प्लीज चार्ज, लो बैटरी कह रहा ना, तो इसका मतलब हमारा सिस्टम सही है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमें जो कुछ करना है, एक तो हमें एक नया सेल लगाना है इसके अंदर, और दूसरा एक वो चार्जिंग कनेक्टर देखना है इसके अंदर कि क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों ऐसा करते हैं, अभी लगा के इसके अंदर चार्जिंग कनेक्टर देख लेते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं और यहाँ पर चार्जर लगाते हैं इसका, ऐसे टेस्ट कर लेते हैं, अभी पता लग जाएगा इसका। बार बार आपके लिए वीडियो लंबी जाएगी करने पर, और आपका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा फिर देखने में। जैसे ही लगा होता है इसको वैसे ही लगा देते हैं, ये लगा दिया हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पे चार्जिंग लेकर देखते हैं कि चार्जिंग ले रहा है नहीं ले रहा है। ये हमारा चार्जर है, ठीक है, ये हमारा चार्जिंग पोर्ट है। दोस्तों जैसे कि ये चार्जिंग पोर्ट भी लूज है इसका, ये भी ख़राब है, यहाँ पे चार्जिंग शो करता है, देखो हिलाने पर कर रहा है, ये देखो हिलाना पड़ रहा है दोस्तों, ये देखिए दिख रही है लाइन लाइट, वैसे सही है चार्जिंग पोर्ट, लेकिन वो सेल ही ख़राब था इसका, ठीक है दोस्तों। मैं फिर भी इसको चार्जर कनेक्टर को ना आयरन से कर दूंगा, चार्जिंग पोर्ट एकदम सही आ रहा है वैसे तो इसका, हाँ एक बारी में लगाती है चार्जिंग होना शो हो गया, तो इसका मतलब खाली हमारा सेल ख़राब है और इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी और ये बिल्कुल ओके है, ठीक है दोस्तों। मैं इसका सेल बदलता हूँ, ठीक है। सेल बदलने के बाद हम इसमें अभी सेल को सोल्डिंग करेंगे और टेप वगैरह लगा के पूरा अच्छी तरह सेल को जैसे था इसको बंद करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले यही कनेक्टर निकाल लेते हैं जैसे था, इसको अलग रख देते हैं, ठीक है दोस्तों, और हम इस वाले सेल को निकालते हैं। दोस्तों अगर मैं इसकी जगह यानी बैटरी लगाऊं तो भी अच्छी है वैसे, तो ये भी सही है मेरे ख्याल से, ये बैटरी ज़्यादा कम्फर्टेबल होगी अगर मैं ऐसी दो बैटरी लगा देता हूँ तो, क्या होगा इसका बैकअप बढ़ जाएगा। ये भी 3.7 वोल्ट की है, फिर आपको दिखा देता हूँ, और वो भी 3.7 वोल्ट की है, ये भी लैपटॉप में से निकाली भी है, वो भी लैपटॉप से निकाली भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं, हमें इसका बैकअप बढ़ा लेते हैं, कई घंटे तक अभी ये बजेगा, अब एक बार चार्ज होने के बाद। ये देखिए, ये मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये 2.3.2 दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इतनी तो चार्ज रहेगा। ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है, 3.7 वोल्ट। दोस्तों इसका मतलब ये बैटरी ओके रहेगी, और एक यानी बैटरी जैसे मैंने आपको बताया था, सीरीज़ में बनाने के लिए अगर वोल्टेज बढ़ानी है तो एक दूसरे के पीछे जोड़ेंगे, और नहीं तो एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ेंगे, अगर आपको पैरेलल में उतनी ही वोल्टेज चाहिए तो, ठीक है, दोनों बराबर चाहिए। अब हमें अगर हमें चाहिए 7 वोल्ट तो हम क्या करेंगे, आगे पीछे जोड़ देंगे प्लस माइनस एक दूसरे से, लेकिन हमें 3 वोल्ट ही चाहिए जितनी इस सेल के अंदर है 3.7, तो हम इसके ऊपर रख के इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो क्या होगा, इससे इसका बैकअप बन जाएगा बड़ा अच्छा, ठीक है दोस्तों। चलो करते हैं इसको दोस्तों, इसमें हम याली बैटरी लगाएंगे दोनों, तो हमने क्या करते हैं, इनका पॉजिटिव एक साइड रख देते हैं और नेगेटिव एक साइड, और इन्हें आपस में टेप लगा देते हैं जिससे ये उधर ये ना भागे, ठीक है दोस्तों। सेलो टेप लगा देता हूँ मैं इसमें, ये खुलने में भी बहुत देर लगाएगी, तो सीधा मिलना बड़ा भारी पड़ जाता है अगर छोड़ दो तो कहीं। दोस्तों मैं भी टेप का ही, ठीक है, पहले हम इस वाली रैपर कर देंगे इसको, जिससे कहीं तार वार अगर शॉर्ट हो, एक ही बार बस बहुत है, वैसे तो ये हो ही पड़ी है पर अपना आप ही, लेकिन फिर भी हमने एक बार वो कर दिया, और इसको अब हम इसको वैसे आपस में रख के टेपिंग कर देंगे।
जिससे ये दो दिन ना भागे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका माइनस माइनस जोड़ देंगे, प्लस प्लस जोड़ देंगे, फिर आपस में शॉर्ट कर देंगे, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। दोस्तों बड़ी सावधानी से ध्यान रखना है इसका कि आप प्लस माइनस उल्टे ना जोड़ देना, क्योंकि अगर आपने उल्टे जोड़ दिए एक तो उसकी वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, और वोल्टेज ज़्यादा होती है जैसे ही आप एक बार लगाओगे, एक बार लगाते ही आपका जो ये है इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज चाहिए 3.7, और आपने अगर प्लस के पीछे माइनस जोड़ दिया, माइनस के पीछे प्लस, तो भैया हो गया फिर तो कार्ड इसका, फिर तो ये बन जाएगी 8 वोल्ट, और 8 वोल्ट में लगाते ही धुआं उठा देगी इसमें। बहुत सावधानी से ध्यान रखना है कि प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगाना है। अभी आयरन गर्म होएगा, सोल्डरिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर भी सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। हर वीडियो में जैसा कि मैं बताता हूँ, थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, आप खाली देख देख के सारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी में कुछ होता है, किसी में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, सेम प्रॉब्लम कभी नहीं आती। अभी इसको यहाँ से काट देंगे दोस्तों, ये जो हमारा पॉजिटिव है और ये हमारे निगेटिव हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो कनेक्टर है जो हमने इसका पहले निकाला था, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव और निगेटिव की जगह निगेटिव लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये लगा देते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। बस ये है कि ये याद रखना है आपको कि जब भी अगर आपका चार्जिंग ना हो और आपका चार्जर ठीक है, आप पहले चार्जर देख लो, ठीक है, तो आप समझ जाना कि इसका सेल ही ख़राब हुआ है। अधिकतर इनमें ना सेल ही ख़राब होता है, इसके अंदर अधिकतर सेल ही ख़राब होता है, इस वजह से वो चार्जिंग नहीं करता। तो लोग बाग सोचते हैं कि चार्जर पर तो चलना चाहिए, दोस्तों इसके अंदर ऐसा होता है, जब तक इसके अंदर सेल नहीं होगा ना, ये चार्जिंग सेल ख़राब होगा तो ये चार्जिंग भी नहीं करेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कभी आप सोचो कि यार इसमें चार्जिंग पर तो चलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल के अंदर आप चार्जर पर नहीं उठा सकते, खाली बैटरी लगाए बिना नहीं उठेगा वो, तो आपको बैटरी लगानी ही पड़ेगी। तो इसमें माइनस है ये ऊपर वाला, तो माइनस पर लगा देते हैं इसको। ठीक है ना दोस्तों, मैंने दो बैटरी इसलिए लगाई है, पहले इसके अंदर एक थी, अब इसका क्या होगा, बैकअप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो उनका ये ध्यान, हमें ये ध्यान रखना है कि जो बैटरी लगा रहे हो वो पैरेलल में नहीं, पैरेलल में लगानी है, कभी आप सीरीज में लगा दो। ये दोस्तों ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, अब हम इसको चला के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो चल गया, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, लाइट आ गई है इसके अंदर, और ये देखिए अपना दिल तो आवारा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको बंद कर देते हैं चार्जिंग।
है, ये लगाएंगे कनेक्टर, नहीं तो ये हिल जाएगा ऐसे करके। इसका चार्जिंग का सॉकेट है, इसको भी हम प्रॉपर लगा देंगे जैसे लगा होता है। दोस्तों एक बार फिर जब हम देख ही रहे हैं तो चार्जिंग और देख लेते हैं, चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही प्रॉपर, तब इसको हम बंद करेंगे। एक बार मैं चार्ज लगाता हूं, हम इसकी चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं। ये हमने लगाया इसका चार्जर, यहाँ पे देखो लाल लाइट शो कर गई। ठीक है दोस्तों, देखो आपको एक बार दिखा देता हूँ निकाल के। ये मैंने चार्जर निकाला इसका, ठीक है देखो बंद हो गई। ये मैं लगाऊंगा चार्जर और ये लाल लाइट आ गई, तो इसका मतलब सब कुछ सही है, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप घर में ही अपना बड़ी सावधानी के साथ अगर आप काम करें तो अच्छे से पैसे बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है बस आपको कि प्लस माइनस वोल्टेज का केवल ध्यान रखना है आपको बस, कि जब आप बैटरी को लगाओ तो प्लस किधर है माइनस किधर है और वोल्टेज कितनी है। वैसे इसमें 3.7 ही होती है, तो आप कोई भी मोबाइल जैसी बैटरी या लैपटॉप की एक बैटरी उसको चेक करके उसके पीछे लिखा रहता है स्पेसिफिकेशन, उसको लगा सकते हैं आराम से। ठीक दोस्तों, मैंने इसको क्या करा, इसको यहाँ से बंद कर दूंगा मैं इसको, ये गिरेगी नहीं। मैंने जान के इसके दोनों तारों को इसके बीच में से लिया है बैटरी के, अब ये गिरना भी चाहेगी तो नहीं गिर पाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें कुछ और चीज़ भी फंसा देता हूँ, ये ढीली हो रही है ना, तो हम यहाँ पे तो कागज़ लगा देते हैं, टेप लगा देते हैं इसके ऊपर, हिलेगी नहीं अपनी जगह से। तो इसको मैं पूरा बंद करके फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये हो गया बैटरी का कनेक्टर बंद, बैटरी कहीं मिलेगी, इसको लगा देते हैं यहाँ पर। इसका कनेक्टर दोस्तों छोटा हो गया थोड़ा, थोड़ा मैं देख के लगाना पड़ेगा तार ना। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं दोस्तों। बंद करने का बड़ी सिंपल तरीका, बस अपना इसको यहाँ से मिलाओ और पेंच लगा दो, 6 के 6 इसके हमने खो लेते हैं। ये इसके 6 पेंच हैं, ये यहाँ 1, पेंच और ये यहाँ दूसरा। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोगों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, यार सब्सक्राइब तो कर दो, नई नई चीज़ें उठा उठा के लाता हूँ। देखो ये हो गया हमारा ओके, और ये हमारा चल गया। देखो दोस्तों लाइट आ गई है, इसके अंदर लोडिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी दिखाता है।